दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर घेवर नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो बनाते हैं घेवर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसको कम क्वांटिटी से आप बनाएं जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी लिया है और 200 ग्राम इसमें मैदे का यूज़ करना है आपने। और उसके बाद इसको बनाएंगे हाथ से, कोई मिक्सर नहीं, कोई ग्राइंडर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच घी, और घी को हमने मेल्ट कर लिया, और मेल्ट करने के बाद इस बर्तन में पलट दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से ना घी में रब करना है। पहले इसको मक्खन की तरह हमने इसके दाने तोड़ने हैं। तो ये आप देख सकते हो, मक्खन के जैसा बन गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। और अब इसको मक्खन में जितने भी दाने हैं ना, इन दानों को हमने बिल्कुल प्लेन करना है। तो इस तरह से हम इसके दाने तोड़ लेंगे, बिल्कुल इसको चिकना कर लेंगे, इसमें कोई भी दाना रहना नहीं चाहिए। इस तरह से इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। और दोस्तों, घी को स्मूथ करने के बाद अब इसमें मैदा मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैदे को इसमें डालने के बाद इसको भी हम घी के साथ बिल्कुल स्मूथली, जैसे हमने घी को मिक्स करा था, ऐसे ही हम मैदे को मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बारी बारी क्या है, मैदा इसमें डालना है। आप 200 ग्राम मैदा इसी तरह से रेगुलर आप डालते रहेंगे। पहले इसको डालेंगे, फिर इसको हाथों से अच्छी तरह से इसको घी के साथ मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक इसी तरह से आपने रेगुलर करना है। और दोस्तों, अब मैदा मिलाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हम बेसन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन हम इसमें डाल देंगे, और इस बेसन को भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है पानी की। तो पानी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, चाहे आप उसमें थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो पानी है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहेंगे, और इस तरह से हम इसको घुमाते रहेंगे। और हमारा जो ये बैटर है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अच्छी तरह से हमें इसका स्मूथ बैटर बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम जो पानी का यूज़ करेंगे वो 500 ml वाटर हमें यूज़ करना है। तो धीरे धीरे करके आप इसी तरह से इसमें पानी डालते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंटते रहेंगे, ताकि जो लम्स हैं वो इसमें ना पड़े। और छोटे छोटे जो बारीक, अगर इसमें जो मोटे दाने रह भी जाते हैं, तो हम उनको बाद में छान लेंगे इस तरह से। और छानने के बाद जो मोटे मोटे दाने हैं मैदे वगैरह के, वो आप देख सकते हैं, इस तरह से हम दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, अब इस बैटर में हम डालेंगे आधा नींबू का रस। ये डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, घेवर बनाने के लिए हम इस तरह का कोई भी बर्तन ले लेंगे, और बर्तन ऐसा लें जिसकी गहराई हो, और जितनी गहराई है उसका आधा हम इसमें ऑयल डाल देंगे, और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो ऑयल जो है वो हमारा बहुत ही मतलब गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए, तब आप इस बैटर को छोड़ें। और अब धीरे धीरे जो बैटर है उसको हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बैटर जब हम डालेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हम डालेंगे, और थोड़ी थोड़ी देर पर इसको इस तरह से हम डालते रहेंगे। होता क्या है, जब हम बीच में डालते हैं तो जो बैटर है वो साइडों में अपनी जगह बना लेता है, और जब जैसे ही झाग कम होए फिर दोबारा से अगेन इसको दोबारा से डालें। तो यही प्रोसेस हम रेगुलर करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो घेवर है वो बनकर तैयार ना हो जाए। और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो, हमारा जो घेवर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब चाकू की सहायता से इसको साइडों से हम निकालेंगे। पहले तो इसको साइडों से हटाएंगे इस तरीके से,
क्योंकि साइडें जो हैं वो चिपक जाती हैं। और उसके बाद इस घेवर को हम नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और थोड़ी देर फ्राई होने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार है, बिल्कुल जैसे कोरल होता है उस तरह से, कोरल का पत्थर आपने देखा होगा उस तरह से बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार है। दोस्तों घेवर के बाद अब बारी आती है चाशनी की। तो चाशनी के लिए हम एक कटोरी पानी लेंगे और एक कटोरी ही इसमें चीनी का यूज़ हम करेंगे और उबाल आने तक चाशनी को अच्छी तरह से पकाएंगे। और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो दोस्तों उबाल आ चुका है चाशनी में। और अब यहाँ पर हम आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने से क्या है, टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और उसके बाद इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को, चाशनी और इलायची पाउडर को। और अब इसकी थिकनेस के लिए हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो चाशनी जो है हमारी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ जो है हमें चाहिए एक तार की चाशनी। तो पहला तो है ये आप ड्रॉप्स की सहायता से आप देख सकते हो काफ़ी देर देर बाद ये ड्रॉप्स आपको गिरती हुई दिखाई देगी। जो लास्ट ड्रॉप है आप देखना वो काफ़ी देर बाद गिरेगी, तो इसका मतलब है जो चाशनी है वो काफ़ी थिक है। दूसरा हम फिंगर से आप टेस्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की एक तार की चाशनी हमारी जो है वो बन चुकी है। तो गैस को जो है अभी हम दोस्तों बंद कर देंगे और चाशनी को उतार कर साइड में हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दोस्तों बनानी है हमें मलाई। तो मलाई के लिए हम पैन लेंगे और एक कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इन्हों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर आपने गैस का यूज़ नहीं करना है और अब आधा कटोरी इसमें हम मिल्क डाल देंगे। अभी फिर दोबारा से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, गैस का यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पर अगर आपने गैस ऑन कर दी तो यहाँ पर इसमें लम्स पड़ जाएंगे और उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो गैस का अभी आपने यूज़ नहीं करना है, अभी इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब आप देख सकते हो जो बचा हुआ दूध था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। मिल्क की जो क्वांटिटी है यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़ चुकी है। और उसके बाद अब यहाँ पर गैस ऑन करनी है। अब आप देख सकते हो कोई भी इसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं है। तो ये बहुत इजी तरीका है। अगर आप गैस ऑन करके और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें डालोगे तो उसमें लम्स पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब इसको आपने केवल स्टर करना है रेगुलर, जो इसकी क्वांटिटी है थिकनेस बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको इसको रेगुलर स्टर करते रहना पड़ेगा। और लगभग अगर टाइम की आप बात करें तो इसको 10 मिनट समथिंग लगेंगे बनने में। और दोस्तों 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो मलाई है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको उतार लेंगे और ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे जिससे इसकी जो थिकनेस है वो और भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों घेवर लेंगे। अब हमें क्या है, चाशनी जो हमने बनाई है ठंडी हो चुकी है और जो चाशनी है वो हम धीरे धीरे करके चम्मच की सहायता से वो चाशनी हम घेवरों पर डाल देंगे इस तरीके से। ये दूसरा घेवर है, दूसरे घेवर को भी हम उसी तरह से करेंगे, चाशनी हम इसमें डाल देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से मतलब चाशनी इनमें लग जाए। और चाशनी हमारी अच्छी तरह से लग चुकी है। अब बारी आती है इस पे मलाई की। तो घेवर पे हम मलाई डाल देंगे और मलाई डालने के बाद इसको स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, फैला लेंगे। और फैलाने के बाद दोस्तों इस पे क्या है, हमने कुछ बादाम जो है वो काट कर रख रखे हैं, वो इस पे अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपकी मलाई घेवर जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो केवल कुछ चीज़ों से आप 600 से 700 किलो मिलने वाली मिठाई को घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारी जो ये रेसिपी है वो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।